अब देखिए वहां ये सीडी बिकी, हमारे अहबाब ने बाकायदा रसीद के साथ खरीदा। अब ये कह रहा है ये बॉम्बे में किताब छपी है, हज के लिए गया, हज से जब फारिग हुआ तो वहां के गैर मुकल्लिदों ने पकड़ा, कहा तू तो बहुत बड़ा झूठा यार, तू जैसे झूठों की तो जरूरत है हमें, हमारे यहाँ मदीना मुनव्वरा के इमाम से काम नहीं चल रहा है, वो छोटे मोटे झूठ बोलता है, तू बड़ा झूठ रहा है, तेरा एक प्रोग्राम रखवा देते। अब इसने सोचा यहाँ कौन है पूछने वाला, ना बम्बई वाला, ना कोई बरेली है, ना कोई सुन्नी है, जो मुंह में आया भग दो। अब जनाब वहां से बयान कर रहे, मगर ये भूल गए कि इनकी सीढ़ी बनती है। अब आइए क्या कहता है, सुनिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। उसके सफा नंबर 179 पर, 179 सफे पर एक दिलचस्प वाक्य लिखा हुआ है। उससे आप ये देखिए कि अल्लाह का मकाम क्या है और गौसे पाक का मकाम क्या है, इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वाक्य को सुनकर। जिनको गौसे पाक, मुझे थोड़ी सी इजाजत चाहिए, हालांकि गौस सिर्फ अल्लाह है। लिखा है कि गांव के लोगों ने एक बार एक गांव के मुखिया से, जो प्रधान था उस गांव का, सरपंच था, उससे कहा कि बारिश बहुत दिनों से नहीं हो रही है और तुम गांव के मुखिया बने बैठे हो। तो गांव का मुखिया बोलता है कि चंदा करो, पैसा इकट्ठा करो, मैं अल्लाह के पास जाता हूं और उससे बात करके आता हूं। सफा नंबर 179 याद रखिएगा, सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी। थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपए इंडियन करेंसी। लिखा है कि गांव का मुखिया लोगों से चंदा करके कहीं गायब हो गया, अल्लाह के पास क्या जाएगा वो। सोचा 8-10 दिन में बारिश हो जाएगी तो लौट के आ जाऊंगा, लेकिन 8-10 दिन तक बारिश नहीं हुई। बहरहाल वो बेचारा आया और आने के बाद लोगों ने कहा क्या हुआ, अभी तक बारिश नहीं हुई, आपकी और अल्लाह के दरमियान क्या बात हुई। तो गांव का मुखिया कहता है कि अल्लाह बहुत गुस्से में। कहा क्यों? कहा वो इतने गुस्से में है कि वो बारिश नहीं होगी, वो बारिश नहीं करेगा। और उसने मुझसे कहा कि तू आया है मेरे पास, लोग मुझे रब मानते ही कहां है, जो कुछ तू मानते हैं वो गौसे पाक को मानते हैं, मुझे कहां मानते हैं। मेरे नाम पे कोई फकीर तुम्हारे दरवाजे पे चला जाओ, कहे अल्लाह के नाम पे दे दो तो कोई देने वाला नहीं, और बड़े पीर साहब के नाम पर अगर कुछ मांग लिया जाए अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर, तो 11वीं की डेगे ले लो, हलवे ले लो, बिरयानी ले लो, वो सारी चीजें लोग मुझे मानते ही कहां, सब कुछ तो उसने गौसे पाक को तलब किया है। फिर क्या हुआ? कहा मैं अल्लाह को और गौसे पाक को दोनों को लड़ता हुआ छोड़ के चला आया। अब अगर अल्लाह जीत गया तो बारिश बिल्कुल नहीं होगी, और गौसे पाक अगर जीत गए तो इंतजार करो कि 2-4 दिन में शायद बारिश हो जाए। इस वाकये से आप क्या अंदाजा लगाते हैं, इस वाकये से आप क्या अंदाजा लगाते हैं। इत्मीनान से सुन लिया वाकया। अब आइए जरा एक एक चीज पे गौर सुने। किताब का नाम सीरत गौसे पाक, जर्जी साहब ने जो बयान किया, सफा नंबर 179। इस किताब का मुसन्निफ कौन है? 4 से 5 बार किताब का नाम लिया उसने, सीरत गौसे पाक, सीरत गौसे पाक, बंबई से छपी है, हाजी अली पे मिलती है, थोक के भाव मिलती है, थोक के भाव, इंडियन करेंसी 75 रुपए। मुसन्निफ का नाम कहां से छपी? पूरा हाजी अली खंगाल डालो तो किताब ही नहीं मिलती, मिल जाए तो मुसन्निफ आसमान में उड़ के चला गया, जमीन पे आया, लिखा और चला गया, आसमान से प्रेस उतरी, किताब छपी, प्रेस भी गायब, किताब मौजूद है। किस्सा क्या कर रहा है, कितने लोगों को गुमराह कर दिया होगा इन लोगों ने ऐसा झूठ बता बता के कि साहब ये बरेलियों का अकीदा है, इनकी किताबों में लिखा है कि गांव में बारिश नहीं हुई, लोग मुखिया के पास आए, कहा बारिश नहीं हो रही है, तो गांव के प्रधान ने, गांव के मुखिया ने कहा चंदा जमा करो, अल्लाह के पास जाना पड़ेगा। चंदा जमा हुआ, अल्लाह के पास गया मुखिया, अब अल्लाह के पास क्या जाता, गायब हो गया, वापस आया, कह रहे बारिश तो अभी तक नहीं हुई,
कहा अल्लाह बहुत नाराज है और बोलता है कि कोई मुझे नहीं पुकारता, सब गौसे आजम को पुकारते हैं। गौसे आजम को उसने बुलाया है, गौसे आजम और अल्लाह में झगड़ा चल रहा है, फाइटिंग चल रही है। माजल्ला, अब दुआ करो, मैं तो छोड़कर आया झगड़ा झगड़ते हुए, अगर अल्लाह जीत गया तो बारिश नहीं होगी, गौस पाक जीत जाएंगे तो बारिश हो जाएगी। मैं एक जुमला कहता हूं, अगर अपनी मां का दूध पिया है तो वो किताब दिखा और ये किताब में इबारत दिखा दे। कितने बड़े झूठे हैं ये लोग, अंदाज लगाइए। मुसन्निफ का नाम गायब, किताब की प्रेस का नाम गायब, और ये हरम में बैठकर झूठ बोल रहा है, हरम में। अब यहां से अंदाजा लगाए। अब उसके बाद एक और किस्सा सुन लीजिए इसका, उसी तकरीर का। और इसी के दो सफा उलटने के बाद, सिर्फ दो सफा, 181 सफे पर देखें, अभी भी मुसन्निफ का नाम आखिरी तक नहीं बताया उसने, बस सफे ही बता रहा है वो, जबकि सबसे अहम किताब का मुसन्निफ होता है, राइटर, कि भाई लिखा किसने, कौन है। अब देखिए यहां पे सुनिए, इसी के दो सफा उलटने के बाद, सिर्फ दो सफा, 181 सफे पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए, मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं, जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे, अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवा छठे छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा, और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। दस्तगीर के मायने क्या बताया, अल्लाह का हाथ पकड़कर खींचने वाला गौसे आजम। और पूरा किस्सा सुना दिया दो ही सफे बाद, मुसन्निफ का नाम गायब, प्रेस का भी नाम गायब, ये हरम में बैठ के झूठ बोल रहा है। अब सबसे पहली बार बताऊं ये वाक्य झूठा है, इसकी सबसे बड़ी दलील दे दूं मैं, कि तुम्हारी किताबों में लिखा हो सकता है, हमारी किताब में नहीं हो सकता। इसकी वजह बता दूं, अरे हम तो अल्लाह के जिस्म के ही कायल नहीं, तुम्हारा बाप इब्ने तैमिया लिख गया है कि अल्लाह हाथ पैर सब रखता है, अपने फिरके की खबर लो, हमारे किसी भी अकायद की किताब में कहीं नहीं लिखा है कि अल्लाह का हाथ है पैर है। वो हाथ पैर आसमान में आने से, उतरने से, चढ़ने से, जाने से, आने से, इन सब चीजों से पाक, ये तुम्हारी किताबों में। और पहला वाक्य क्या लिखा था इसने, क्या बयान किया उसने झूठा, कि अल्लाह और गौस पाक में झगड़ा हो गया। मैं एक झगड़ा बताता हूं इनका, ये मैं तो दलील से बताता हूं, हिम्मत हो तो काट के बता तू। ये सिराते मुस्तकीम किताब यहां मौजूद भी है, वो तो हाजी अली के रोड पे मिल रही थी, ये तेरे बुक डिपो में मिल रही है। बुक डिपो मकतब थानवी देवबंद, लिखने वाला इस्माइल दहलवी,
अब इस किताब में क्या लिखा है जरा देखिए, इस्माइल दहलवी के पीर सैयद राय बरेली जो थे, इस्माइल दहलवी के पीर साहब राय बरेली का मकाम क्या था, सुनिए। कहते हजरत सैयद साहब को तीनों तरीकों यानी कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया की नस्बत मुबादी पहले से हासिल हो गई, लेकिन नस्बत कादरिया और नक्शबंदिया का बयान तो इस तरह है कि हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज कुद्दस रऊल अजीज की साथ बरकत और आ जनाब हिदायत महाब की तोहजात के यमन से जनाब हजरत गौसुस सकलैन और जनाब हजरत ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंदी की रूह मुकद्दस आपके मुतवज्जे हाल हुई और तकरीबन अरसा एक माह तक आपके हक में हर दो रूह मुकद्दस के माबैन फिल जुमला तनाज़े रहा, क्योंकि हर एक इन दोनों आली मकाम इमामों में से इस अम्र का तकाजा करता था कि आपको बातमाम ही अपनी तरफ जज्ब करे ता आके तनाज़े का ज़माना गुजरने और शिरकत पर सुलह के वाक़े होने के बाद एक दिन हर दो मुकद्दस रूहें आप पर जलवागर हो गई और तकरीबन एक पहर के अरसे तक वो दोनों इमाम आपके नफ्स नफीस पर तवज्जे कवी और पुरजोर असर डालते रहे। बस इसी एक पहर में हर दो तरीके की नस्बत आपको नसीब हो गई। ये बड़ा हार्ड लिखते हैं घुमा फिरा के ताकि पब्लिक के समझ में ना आए और अपनी दूसरे जो मकसद है वो हल हो जाए। मैं समझाता हूँ हुआ क्या। मौलवी इस्माइल दहलवी कहते हैं हमारे पीर साहब राय बरेली का मकाम इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि सिलसिले चिश्तिया की तो नस्बत पहले से ही मिल गई, आयती आयती, उसके बाद नक्शब उसकी भी मिल गई सोहरवर्दी की, मगर कादरी नस्बत और नक्शबंदी नस्बत का ताल्लुक ऐसा है, उसकी खिलाफत का, उसके फैज का मामला ऐसा है कि गौस पाक की रूह आई उधर से बहाउद्दीन नक्शबंदी की रूह आई और दोनों रूहों में झगड़ा हो गया, तनाजा। और झगड़ा किस बात का हो रहा है, गौस पाक बोलते थे मैं इसको पहले फैज दूंगा और बहाउद्दीन नक्शबंदी बोलते थे पहले मैं फैज दूंगा। एक अरसा था, कई जमाने तक दोनों रूहें लड़ती रही, खूब चलता रहा झगड़ा, आखिर में दोनों रूहों में गौस पाक की रूह और बहाउद्दीन जकरिया नक्शबंदी की रूहों में कंप्रोमाइज हुआ, चलो ऐसा करते हैं दोनों बारी बारी उसको फैज देते हैं अपना। इस तरह फैज दिया और इस तरह फिर उसको खिलाफत हासिल हो गई। तो साहब हमारे यहाँ गौस पाक अल्लाह से झगड़ने नहीं जाते, ये तुम्हारे यहाँ है कि तेरे पीर को खिलाफत देने के लिए रूहें आपस में झगड़ रही है, तो ये तुम्हारे यहाँ की किताबों में है और ये सब झूठ गढ़ रहा है। और दूसरा दस्तकीर के उसने मायने क्या बताए, अल्लाह को हाथ पकड़कर पकड़ने वाला। मैं उससे पूछता हूँ कि किस लुगत में ये मायने दस्तकीर के लिखे है कि अल्लाह को हाथ पकड़कर खींचने वाला, उस लुगत का नाम बता। और फिर वही सवाल दोहरा रहा हूं कि ये कौन सी किताब है, उस किताब का नाम बताओ, वो कौन सा मुसन्निफ है जिसने ये किताब लिखी, उसका नाम बताओ। किताब का नाम गाया, मुसन्निफ का नाम गाया और झूठ गढ़ के क्या बता रहा है कि ये फिरका इतना बदतर फिरका है यानी अहले सुन्नत अल जमात कि जो गुस्ताखी अल्लाह ने भी नहीं की ये इस फिरके ने की। वाकया झूठा गढ़ के तुम बताओगे कि फिरके ने गुस्ताखी की, मैं कहता हूं तुमने वो झूठ कहा और वो झूठे हो तुम कि इबलीस भी तुम्हारे झूठ को देख के शर्मा जाता है, इबलीस भी सोचना पड़ता है कि ये तो मेरे बाप निकले यार, मैंने भी तो इतना झूठ नहीं बोला होगा। अब आइए दस्तकीर के मायने क्या है, उर्दू जबान की सबसे मोतबर लुगत में पेश कर रहा हूं फिरोजुल लुगात, जाम फिरोजुल लुगात के अंदर दस्तगीर के मायने बयान किए गए सफा 2627 पर। दस्तगीर मददगार हामी, दस्तगीर के मायने क्या है, मददगार हामी यानी हिमायत करने वाला। दस्तगीर के मायने जनाब अल्लाह का हाथ पकड़ने वाला नहीं है बल्कि क्या है, मददगार। और मददगार ये दस्तगीर के जो मायने मददगार लिए गए ये कहां से लिए गए और गौसे आजम को मददगार क्यों कहते हैं, पिराने पीर को दस्तगीर क्यों कहते हैं, उसका जवाब ये कुरान करीम की आयत करीमा है, पारा नंबर 6 सूरह माईदा आयत 55 में अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगो बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है और तुम्हारा मददगार रसूल है। अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारा मददगार वली कौन है, वली के मायने भी मददगार, तुम्हारा मददगार अल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह,
और तुम्हारा वली और तुम्हारा मददगार रसूल, और कौन? वल्लज़ीना आमनुल लज़ीना व युकीमुनस सलाता, और वो लोग जो ईमान लाए और ईमान पर इस्तेकामत रखी, मजबूत रहे, और जो नमाज कायम करते हैं, वयूतूना ज़कता, और जो ज़कात अदा करते हैं, और वहुम राकिऊन, और जो उसके हुजूर झुके हुए हैं। ये कौन है? औलिया अल्लाह की जमात, जो ईमान लाए, ईमान पर इस्तेकामत बरती, और जो ज़कात भी अदा करते हैं, जो नमाज के पाबंद है, और अल्लाह के हुजूर हमा वक्त झुके हुए हैं। तो यह अल्लाह ने फरमाया कि मेरे औलिया भी मददगार है, और तमाम औलिया के सरदार है गौसे आसम, इस बिना पे हम उनको दस्तगीर कहते हैं, मददगार। अब आइए, अल्लाह ने क्या किया बकौल जर्जिस के, हाथ पकड़ाइए, मैं एक और हाथ दिखाता हूं, यही किताब सिरात मुस्तकीम, इसमें मौलवी इस्माइल देहलवी इनके सैयद राय बरेली अपने पीर के बारे में क्या लिखते, जरा सुन ले यहां पर, सफा नंबर 307 कहते हैं कि आपने यानी सैयद राय बरेली ने जनाब रिसालत माब सलातुल्ला व सलामहू अलैहि को ख्वाब में देखा, और जनाब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने 3 अदद छुहारे अपने हाथ मुबारक से आपको खिलाए। सैयद राय बरेली ने, इस्माइल दहलवी के पीर ने, रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा, सरकार ख्वाब में आए और 3 छुहारे 3 खजूरें इसके मुँह में रखी। इसी तरह से एक एक छुवारा अपने हाथ मुबारक से लेकर हजरत सैयद साहब के मुंह में रखते थे, और बाद अज़ा के आप बेदार हुए, इस रुवाए हक्का का असर जाहिर बाहिर अपने नफ्स में पाते थे, और इसी ख्वाब की बदौलत इब्तदाए सुलूके नबुव्वत हासिल हो गया। बाद अज़ा एक दिन जनाब विलायत माब हजरत अली करमल्ला वजहू और हजरत सैयदुन्निसा फातिमतु जहरा रदी अल्लाह अन्हा को ख्वाब में देखा, बस जनाब अली मुर्तजा ने आपको अपने हाथ मुबारक से गुस्ल दिया। फिर हजरत अली और हजरत फातिमा को ख्वाब में देखा, तो क्या देखा कि हजरत अली इस बुड्ढे खूसड़ को नहला रहे हैं, गुस्ल दे रहे हैं। बस जनाब हजरत अली ने आपको अपने हाथ मुबारक से गुस्ल दिया, और आपके बदन की खूब अच्छी तरह से शुष्ट व शू की यानी गु पाखाना पेशाब सब आपका साफ करवाया। माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह, शुष्ट शू करना बोलते हैं यानी सब नापाकी वगैरह को दूर करना। जिस तरह वालदैन अपने बेटों को निलाते हैं और शुष्ट शू करते हैं, और जनाब फातिमतु जहरा रदियल्लाहु अन्हा ने नहायती उमदा और कीमती लिबास अपने हाथ मुबारक से आपको पहनाया। हजरत फातिमा ने इस नंगे को कपड़े भी पहनाए। फिर बस इस वाक़े के सबब से कमालात तरीके नबूवत नहायती जलवागर हुए, और इज्तिबाए अजली जो कि अजलुल अजाल में पोशीदा थी मनसे जहूर पर जलवागर हुई, और इनायत रहमानी और तरबियत रब्बानी बिला वास्ता आपके हाल के मुतकफ़िल हुई। इस ख्वाब के देखने के बाद अल्लाह ने डायरेक्ट इनकी तरबियत की, वास्ते ख़त्म हो गए, ना कोई जिब्रील ना कोई फरिश्ता, अल्लाह डायरेक्ट इनको पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, सब चल रहा मामला। राय बरेली को, इस्माइल देहलवी के पीर साहब को, और पे दर पे मामलात और बेशुमार वाकयात वकू में आए, यहाँ तक कि एक दिन हजरत हक जल्ला व आला ने, हजरत हक कौन? अल्लाह रब्बुल इज्जत, और आगे लिखा है जल्ला व आला, ये भी अल्लाह का सिफाती नाम है। एक दिन हजरत हक जल्ला व आला ने आपका दाहना हाथ खास अपने दस्ते कुदरत में पकड़ लिया, राय बरेली का हाथ अल्लाह ने पकड़ लिया, और उसके बाद और कोई चीज उमूरे कुदसिया से जो कि नहायत ही रफी और बदी थी आपके सामने करके फरमाया, हमने तुझे ऐसी चीज इनायत की है और चीजें भी अता करेंगे। फिर एक बड़ी कीमती चीज जिसकी कोई हद नहीं थी, बड़ी लंबी चौड़ी चीज अल्लाह ने पेश की राय बरेली के सामने, और कहा देखो ये चीज हमने तुझे दी और भी इससे बड़ी बड़ी चीजें देंगे। ता आके एक शख्स ने आपके पास हाजिर होकर बैत की दरखास्त की, उसी दरमियान में एक शख्स आया राय बरेली के पास, इस्माइल दहलवी के पीर के पास, और कहा हजरत मैं आपसे बैत होना चाहता हूँ। तो बैत करने का तरीका क्या है, पीर साहब मुरीद का हाथ अपने हाथ में लेते हैं। अब बैत करने आया, और चूंकि आप उन अय्याम में अलल उमूम बैत नहीं लिया करते थे, इसलिए इस शख्स की ऊपर चला गया, वो तो ढूंढ रहा हूँ मैं, भारत सफ़ा बदला है वो, हाँ
اس لیے شخص کی درخواست کو قبول نہ فرمایا۔ جب اس شخص نے نہایت الہا اور اصرار کیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ایک دو روز توقف کرنا چاہیے، ایک دو روز کے بعد آ، بعد ازاں جو کچھ مناسب وقت ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ پھر آپ اجازت اور استفسار کے لیے جناب حق میں متوجہ ہوئے، پھر اجازت کے لیے آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے رائے بریلی، اور عرض کیا بندگان درگاہ سے ایک بندہ اس امر کی درخواست کرتا ہے کہ مجھ سے بیعت کرے، اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ ایک بندہ آیا ہے آپ کے بندوں میں سے، اے اللہ آپ کے بندوں میں سے ایک بندہ آیا ہے جو یہ گزارش کرتا ہے کہ میں بیعت کروں اسے۔ اب بیعت تب کروں کہ جب ہاتھ تو چھوڑے، تو تو میرا ہاتھ پکڑے ہوئے۔ خود کے گھروں میں یہ گوا خرابیاں گندگیاں پڑی ہوئی ہیں اور یہ دوسروں پہ کیچڑ اچھالنے چلے ہیں، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اس جہاں میں جو کوئی کسی کا ہاتھ پکڑتا ہے ہمیشہ دستگیری کی پاس کرتا ہے۔ دیکھیں دستگیر لفظ یہاں بھی آیا، اب بتاؤ کہ کون دستگیر ہوا؟ غوث پاک تیرے معنی میں، کہ جنہوں نے اللہ کو پکڑ لیا، معاذ اللہ ہم تو نہیں مانتے، یہاں تو تیرے رائے بریلی کہا تھا اللہ نے پکڑ لیا، تب یہ دستگیر کون ہوا؟ یہ کیا دستگیر ہے؟ ہمیشہ دستگیری کی پاس کرتا ہے، اور حضرت حق کے اوصاف کو اخلاق مخلوقات کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ بس اس معاملے میں کیا منظور ہے؟ اس طرف سے حکم ہوا جو شخص تیرے ہاتھ پر بیعت کریں گا، اگرچہ وہ لاکھوں کا ہی کیوں نہ ہو، ہم ہر ایک کو کفایت کریں گے۔ جا ہاتھ چھوڑ دیا اللہ نے، کہا جا بیعت کر لے، اب تیرے سے لاکھوں کروڑوں بھی بیعت کریں گے نا، ہم سب کو کفایت کریں گے، سب کو نوازیں گے۔ تو اللہ نے ان کا ہاتھ بھی پکڑ لیا صاحب، اور یہ چلے ہیں دوسروں کو الزام لگانے کے لیے۔ اب آئیے ایک چیز میں آپ کو نہیں دکھاتا ہوں، اب یہ سنیں، پہلے وہ دکھانے سے پہلے میں ایک چیز دکھا دوں آپ کو۔ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ ابن تیمیہ، جو لوگ مسلسل سن رہے ہیں میرے پروگرام ان کو پتا ہے، ان کا سب سے بڑا عالم ابن تیمیہ، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ جسم رکھتا ہے، اللہ ہاتھ رکھتا ہے، اللہ پیر رکھتا ہے۔ نئے لوگ ہوں یہاں پر تو وہ دلیل کے طور پر دیکھ لیں، یہ فتاوی حدیثیہ ہے حضرت علامہ ابن حجر کی، اس پر میں بہت بارہا کہہ چکا ہوں، بس اب یہ شارٹ کٹ میں لے رہا ہوں۔ میں فتاوی حدیثیہ علامہ ابن حجر الحیتمی المکی رحمت اللہ علیہ کی، اس کتاب کا صفحہ 116، اس پہ لکھتے ہیں ابن تیمیہ کا عقیدہ، وقوله بالجسمات والجهت والانتقال وانه بقدر العرش لازغر ولا اکبر۔ وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ کا یہ قول ہے، ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ جسم رکھتا ہے، اللہ کے لیے جگہیں ہیں، جہت ہے، سمتیں ہیں، اور اللہ جگہوں کو تبدیل کرتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں۔ وہ اللہ عرش کے برابر ہے، نہ عرش سے چھوٹا ہے نہ عرش سے بڑا ہے، یہ عبارت میں کئی بار دکھا چکا ہوں۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے، اللہ عرش پر بیٹھا ہے، اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کے ہاتھ بھی ہے، اللہ کے پیر بھی ہے۔ اور اس کے بعد وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہندوؤں سے بدتر ہے۔ اب ہندوؤں سے ہمارا عقیدہ بدتر ہے کہ ان غیر مقلدین کا عقیدہ بدتر ہے؟ آپ خود سن لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو۔ میں نے ریپیٹ پھر کروا دیا، جرجس کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جو رسوائی اس فرقے نے کی ہے اہل سنت نے، ہندوؤں کی کتابیں بھی آپ پڑھ ڈالے تو یہ رسوائی انہوں نے نہیں کی ہوں گی۔ اب آئیے